कुरुमांचल भवन में हुआ भव्य होली मिलन समारोह। होली हिंदुओं का ऐसा पर्व है जिसके लिए लोगों की उत्सुकता देखने को बनती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कुरुमांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद में। ट्रेडिशनल आर्ट है कुमाऊं की, जिसको एपेंड बोला जाता है। पहले सदियों से चली आ रही है, इसको पहले दिल्ली में बनाते थे और हाथों से किया जाता था, तो अब हमने ये खुद स्पेसिफिक अपने डिज़ाइन बना के ड्राइंग पैड में इसको डिज़ाइन करके और फिर प्रिंट करवा के, जैसे तिब्बतियन फ्लैग होता है कार के पीछे या कहीं भी, तो ऐसे उसका अल्टरनेट है ये पहाड़ी फ्लैग्स। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर, मैं पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मैं ये मतलब कुरुमांचल भवन से मेरे पापा भी जुड़े थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि अब कभी आके यहाँ पे परफॉर्म करूँ। अब मैं जब से कर रही हूँ, क्योंकि अब स्कूल पास आउट होने के बाद तो होता है कि एक आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म भी देते हैं ये करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन जो आ रही है, वो इस चीज़ को देखे कि हमारे पर्वतीय जो संस्कृति है वो किस प्रकार से होती है, उसमें किस प्रकार से प्रोग्राम किए जाते हैं, किस प्रकार से ईद त्यौहार मनाए जाते हैं। ये अभी देखो होली में वही भगवान श्री कृष्ण की लीला गाई जाती है। अभी हमने पहले तो रिद्धि सिद्धि के गणपति की पूजा करी होली के माध्यम से, और उसके बाद हमने कृष्ण कन्हैया के गीत गाए होली के माध्यम से, श्री धरे जैसे श्री धरे मुकुट खेले होली। तो अपने कृष्ण भगवान से कहा जाता है कि अपने सिर से मुकुट रख के राधा बोलते हैं कि आप हमारे साथ होली खेलिए, इसी तरह हमने इसका प्रस्तुति करी। एक हफ्ते से कर रहे हैं। मैं तो वैसे पिछले साल से कर रहे हैं होली में, लेकिन बचपन से ही खेल रखा है। हाँ जी हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि कुमाऊँ जो हमारा रीति रिवाज है, हमारी मेन होती है कुमाऊँ की होली। होली में हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे जितने फौजी हमारे हस्बैंड हैं वो भी छुट्टी आते हैं उस टाइम, और हम बहुत खुशी से होली मनाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है होली का त्यौहार। होली तो पहले से ही होती है, पिछले साल से हम वहाँ से कल्चर में शामिल हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। पहले होता है वैसे ही किया था, अलग थोड़ा अलग सा भी किया था। सबका एक ही है, हमारी परंपरा होली है ये, हमने जन्म से होली देखी है, हमें बहुत अच्छा लगता है होली का त्यौहार। मैं जब से छोटी थी, मैं 5 साल की जब से थी, तब मुझे बहुत शौक था डांस करना, होली गाना, ये मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैंने यहाँ भी अपना कल्चर मैंने कहा जारी रहे, अपने लोगों को इकट्ठा किया, चाहे गढ़वाल हो कुमाऊँ हो, ये अपना त्यौहार टूटना नहीं चाहिए। तो हम सब लोग उसमें कोई कुमाऊनी गढ़वाली कुछ, सब हम अपने भाई भाई हैं। हमारे यहाँ कुमाऊँ में कल्चर ज़्यादा होता है होली का, तो हम सब ये मिलजुल के अभी हम शुरू कर रहे हैं। पहला आज यहाँ था, इसके बाद राघव विहार के अंदर होगा, 25 से शुरू है हमारा। तो ये इसी मकसद से हम लोगों ने ये मतलब कर रखा है, ताकि हम लोग पहाड़ छोड़ के आ गए हैं, ताकि यहाँ पर भी मतलब हमारी पुरानी जो परंपरा है वो बनी रहे। पहले मैं ही कराती थी 15 साल पहले, फिर मैं देहरादून से बाहर चली गई, उसके बाद दोबारा वापस आना हुआ है। हाँ, पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरा हॉल को सैनिटाइज किया गया है। हमारे कुमाऊँ की संस्कृति को फॉलो करता है, और हम लोग हर साल इसी संस्कृति को फॉलो करते हुए कुमाऊँ के गाने गाते गीत गाते हैं। प्रोग्राम ये हमारी दीदी है, ये हमारा पूरा प्रोग्राम कराती है, और ये हमको अच्छा लगता है। मैं इसी बार जुड़ी हुई हूँ दीदी जी के माध्यम से, मैम के माध्यम से, और मुझे अपनी संस्कृति से जुड़ने का बहुत मौका मिला है, अच्छा मौका मिला है। यहाँ 3 साल हो गए, पिछले बार तो नहीं हुआ, भारती दीदी ने मुझे यहाँ पर, मुझे तब से बहुत अच्छा लगा। ऐसे काउंट नहीं किया, 5-6 साल होगा या ज़्यादा होगा। हाँ, मैं 15 साल से जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं 2 बार सांस्कृतिक सचिव रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर, पहले तो हम डांस में करते, आज पहली बार मैंने गायन का किया है, और दीदी के साथ सीखने को बहुत अच्छा अच्छा मौका मिला। जब से ये कुरुमांचल भवन बनना है, तब से हम इस संस्था से जुड़े हैं। होली की बहुत बहुत बधाई हो। होली सब प्यार से खेलते हैं, हम कुमाऊनी हैं, पहाड़ी के हैं, अच्छे से प्रेम से होली खेलते हैं। हाँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट हर साल ही यहाँ परफॉर्म करती हूँ, पिछले साल थोड़ा नहीं कर पाई थी, बट यहाँ तो मैं हर साल आती हूँ, मुझे हर साल अच्छा लगता है। होलिका के उसमें ही ये चीज़ें हैं कि होलिका दहन जो होता है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं से चली आ रही है, क्योंकि अब हमारे बुजुर्गों से ही काफ़ी पहले से ही हमने तो यही देखा कि ये तब से ही चली आ रही है। ये बस हमारे कल्चर में बांधी जाए ये चीज़, और न कल्चर में नहीं हुई, हमारे कुरुमांचल कल्चर में बांधी जाए। वर्षा के बाद हमारा जो कुमाऊँ है उसी का नंबर आता है होली के लिए, विशेष रूप से होली कुमाऊँ में प्रसिद्ध है होली में, मतलब। और होली तो वैसे पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन जो हमारे कुमाऊँ है वहाँ हम लोग इसको स्पेशल तरीके से गा के बैठक होली और खड़ी होली करके मनाते हैं। होली का प्रोग्राम जो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग को तैयार होने का भी मौका मिलता है।
कि कुर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद में ये आयोजन हर साल किया जाता है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि कुमाऊनी संस्कृति को दर्शाने वाला ये आयोजन उत्तराखंड की संस्कृति को सहज के रखने का काम कर रहा है।